कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत जन्मदिन मना रहे युवकों में से एक युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने एक नामजद सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी रोष प्रकट किया है। कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलाया स्कूल के निकट एक कार सवार पर धारदार हथियार से आधा दर्जन युवकों ने हमला कर दिया। एकाएक हुए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष भारद्वाज ने पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए आरोपियों पर सख्त सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परसों रात को इस विकास के ऊपर धारदार चाकू से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, उसकी जान मुश्किल से बची और वो अभी भी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसी घटनाएं कुछ गुंडे तत्व हैं, कुछ इस्लामिक जिहादी गुंडे हैं जिनका परिवार का काम ही इस तरीके की वारदात करना, लूटपाट करने का रहा है। कई मुकदमे इन लोगों के परिवारों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ये एक ही परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई ऐसी वारदात करते रहते हैं। तो पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन को भी इस बात की हम चेतावनी देना चाहते हैं, या तो तुरंत कार्रवाई करे, वरना हिंदू समाज का रोष उन्हें सड़कों पर दिखाई देगा, उनके थाने के ऊपर घेरा होगा। क्या इस मामले को उदयपुर से जोड़कर देखा जा रहा है? उदयपुर का जो घटना हुई है उसे मामले से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो पूरे विश्व के अंदर इस्लाम का क्रूर चेहरा इस तरीके की वारदात करता रहता है। इन लोगों का तो मजहब ही यही कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बिल्कुल गलत है। केवल मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, गैर धर्म के गैर इस्लामिक लोगों की हत्याएं करना, कत्ल करना, काफिरों को मारने का संदेश इस्लाम देता है। धर्म नहीं सिखाता हमारा कि किसी के ऊपर नाजायज रूप से हमला किया जाए, झगड़ा किया जाए। हम विश्व शांति के लोग हैं। उधर ADGP रवि किरण ने पुलिस थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मामला दो गुटों की आपसी लड़ाई का है, इसमें कोई जातीय या सांप्रदायिक झगड़े की कोई बात ही नहीं है। वैसे कुछ नहीं, 28-29 तारीख को दोनों ग्रुप का बीच में ये झगड़ा हो गया। विकास एक लड़का है, वो पार्टी बना रहे, उनके साथ पांच लड़का है और दीपक और कुछ लड़कों ने पार्टी बना रहे, उसके साथ भी पांच लड़का वगैरह आ रहे। इसको पहले जान पहचान है, इसको आपस में तू तू में होकर इसको झगड़ा हो गया। इसमें कम्युनल एंगल वगैरह कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, वैसे नहीं, ये नॉर्मल झगड़ा। हमने सोशल मीडिया में इसको खंडन कर रहे, नहीं ना हमने कर रहे, हमने सोशल मीडिया से इसको खंडन कर रहे सारे, हम कर रहे हैं, मैं इन्वेस्टिगेशन करेगा इसको। जाति विशेष का कोई नहीं है, ये आपस का झगड़ा है। बहरहाल सोशल मीडिया में इस मामले को सांप्रदायिक तूल दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मीडिया के जरिए भी अपनी बात रखी है। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।